भागलपुर में एलजेपी के प्रत्याशी राजेश वर्मा ने आज भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी का अपना पर्चा भरा है, जबकि भागलपुर से बीजेपी प्रत्याशी रोहित पांडे ने भी पर्चा दाखिल किया है। नामांकन जुलूस भीड़ का मिजाज देख भले ही एलजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा उत्साहित हो, लेकिन केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन का जुमला भागलपुर में टूटता हुआ दिख रहा है। पूछने पर बताते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार से अब नाउम्मीदी होने लगी है। डिप्टी मेयर रहते जो अलग जनता के बीच मैंने पाई है, वही मेरे जीत का आधार भी बनेगा। देखिए भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। एकदम स्पष्ट है कि मैं कोई हवाई बातों का ना कोई कमिटमेंट करूंगा ना कोई बात करूंगा, क्योंकि शहर को पहले मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाना है, फिर हम बड़ी बातें फ्लाईओवर और बड़े बड़े हवाई सेवाओं की बात करेंगे। पहले शहरवासी प्यासे हैं, उनकी प्यास हर घर जल का नल पहुंचे, जो फुटकर विक्रेता है जिन पर हमेशा जेसीबी और डंडा चलने का काम होता है उनको वेंडिंग जोन मिले, भोलानाथ पुल जिसके कारण पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लोग परेशान रहते हैं, दक्षिणी क्षेत्र जो पूरे विकास से अवरुद्ध रहता है, वहाँ पर उनकी मूलभूत समस्याओं से उनको निजात मिले, पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त हो। इसके अलावा बुनकरों की जो मुख्य समस्या है, जो बुनकर जिनकी वजह से भागलपुर सिल्क सिटी को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानते हैं, बुनकरों की आवाज़ को बुलंद करने की आवश्यकता है, बुनकरों की समस्याओं को सदन में मजबूती से रखने की आवश्यकता है, जो उनके ऊपर कमर्शियल टैक्स लगा दिया गया और अन टैक्स लगाए गए हैं, और इस तरीके का कार्य को करने से उनके ऊपर इस तरीके का बोझ डालने से आज कहीं ना कहीं बुनकरों की अस्मिता जो है वो धीरे 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 खोते जा रही है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कई युवाओं के लिए भी कई तरह की चीज़ें हैं जो हम लोग विस्तृत रूप से आगे बताएंगे। ये जीतने के बाद मैदान में नहीं आते हैं क्या राजेश वर्मा, उसके बाद आएंगे? राजेश वर्मा जनप्रतिनिधि आज से 3 साल पहले 2017 में ही बने थे, और 3 साल के कार्यकाल में लोग देख सकते हैं कि एक दिन भी राजेश वर्मा शहर से बाहर है, जनता से बाहर है क्या? शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है? मेरा आपने कहा मेरा कॉन्टेस्ट किससे है, मेरा कॉन्टेस्ट जो है किसी प्रत्याशी से नहीं है, मेरा कॉन्टेस्ट उस सोच से है जो शहरवासियों को बार बार ठगने का काम करते हैं, झूठा आश्वासन देने का काम करते हैं, जात पात के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं, मेरा कॉन्टेस्ट उन लोगों से। ये जो भीड़ लेकर आए सर, ये शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है? नहीं, शक्ति प्रदर्शन क्या, मैंने लोगों से हाथ जोड़कर कल मार्केट घूम कर शहर में घूम कर मैंने लोगों से हाथ जोड़कर ये कहा था कि आप लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके और जिस मजबूती से मैं शहर के लिए आवाज़ उठाता हूँ वो और मजबूती से उठा सकूँ, और आज पूरा शहर हमारे साथ था तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये एक बेटा को शहरवासियों ने आशीर्वाद दिया है। अभी राजेश भैया जाम की स्थिति शहर में बनी? नहीं, बिल्कुल, देखिए आज कई लोगों ने एक साथ नामांकन किया है और सभी लोगों के अलग अलग अपने अपने स्तर से समर्थक हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल लोगों को आज परेशानी हुई है, और आज की परेशानी के लिए मैं लोगों से क्षमा मांगता हूं कि जो भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा उसके लिए। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।